जय माता दी दोस्तों, नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत और बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आयुषी रसोई में नवरात्र के लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ चीज़ें एकदम नई बनाने वाली हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। बनाने का तरीका आसान है, एकदम लिमिटेड इन्ग्रीडियंट लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बहुत ही झटपट से ये अमेजिंग थाली की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन ना उसे जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, थाली की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह मिठाई के साथ। तो जो हलवा बनाने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो बनेगा पीले वाले काशी फल के साथ। और इसके साथ जो हलवा बनता है अमेजिंग होता है। 400 ग्राम जितना काशी फल लिया, काशी फल को अच्छे से साफ कर लिया और उसके बाद उसे छील लिया। और अब आ रही है फ्रेंड्स कद्दूकस करने की। और ये लीजिए, हमारा जो काशी फल था कद्दूकस होकर तैयार है। तो चलिए पका लेते हैं। तो उसके लिए करीब 2 टेबल स्पून जितना देसी घी ले लें। हलवा आप देसी घी के साथ ही बनाएं, बहुत ही बढ़िया बनेगा। गाजर के हलवे से भी ज़्यादा अच्छा ये आपको पसंद आने वाला है। तो बस इसे अच्छे से भून लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसे बनाना काफ़ी आसान है और काफ़ी क्विक बनकर तैयार हो जाता है। 2 मिनट तक आप इसी तरीके से खुला अच्छे से भून लें। जब हल्का सा भून जाए, अच्छी खुशबू आने लगे, 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दें। और जब आप देखें कि जो पम्पकिन यानी कि कद्दू या काशी फल है अच्छे से पक चुका है, तो समझिए हमारे हलवा बनाने का जो एक लंबा प्रोसेस था वो तो अब ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 150 ग्राम जितनी चीनी। 400 ग्राम हमने काशी फल लिया था, 150 ग्राम चीनी डाली है। और अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा कम भी कर सकते हैं, और अगर तेज़ खाते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। और उसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 60 ग्राम जितना मावा। इसमें आपको दूध वगैरह कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मावा डालिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इस हलवे को अगर आप रखना चाहते हैं तो फ्रीज में 5 से 6 दिन तक रखकर खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में आज मैं डालने वाली हूँ इसमें चिरौंजी और साथ ही थोड़े से हरे पिस्ते बारीक कटे हुए। आप चाहे तो काजू बादाम भी डाल सकते हैं। और ये लीजिए, 8 से 9 मिनट में हमारा एकदम परफेक्ट हलवा तैयार हो गया है। और अब हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल काशी फल की सब्जी। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम जितना काशी फल ले लिया है। और काशी फल को अच्छे से साफ कर लिया, छिलका वगैरह उतार दिया। और इस तरीके से हम इसे छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं 250 ग्राम ही आलू। जितना काशी फल लिया है उतना ही आलू लेंगे। नॉर्मली फ्रेंड्स, जब हम काशी फल और आलू की सब्ज़ी खाते हैं वो बेड़ा ही पूड़ी के साथ खाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइए, बहुत ही बढ़िया आपको टेस्ट मिलेगा। दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया। और उसके बाद फिर से ले लिया 1 टेबल स्पून जितना देसी घी और उसे कुकर में डाल दिया। उसके बाद मैंने लिया 1/2 टीस्पून जितना जीरा। जीरे के साथ ही मैंने ले ली 2 हरी मिर्चें जिसे लंबाई में चीर लिया है। और ये लिए हैं 2 हरी इलायची। इसमें हरी इलायची का जो आपको टेस्ट और खुशबू मिलेगी ना, वो अमेजिंग मिलेगी। इलायची को आप स्किप ना करें। और उसके बाद ये काशी फल और आलू डाल दिए। फ्रेंड्स, तरीका ज़रूर नॉर्मल है, लेकिन थोड़े से चेंजेस जब हम करेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट मिलेगा वो आपको इतना बढ़िया लगेगा कि आपको बहुत पसंद आएगा। और ये मैंने लिया थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, वो भी डाल दिया। फ्रेंड्स, इससे ना सब्ज़ी में कलर बहुत बढ़िया आएगा। वैसे कलर का अपना टेस्ट नहीं होता, आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें, लेकिन ऑरेंज कलर डालने से थोड़ा मिर्च वाला कलर भी आ गया और साथ ही हल्दी वाला कलर भी आ गया। 1 टीस्पून डाला सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जितना नॉर्मल नमक, और ये गए थोड़े से किशमिश के दाने। खट्टा मीठी जब ये सब्जी बनती है ना पूड़ी कचौड़ी के साथ, तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है। और 1/2 कप जितना मैंने लिया फ्रेश दही, जिससे ये काफ़ी लटपटी सी बनकर तैयार होगी और दही का जो टेस्ट आएगा या आप कह सकते हैं क्रीमीनेस आएगी, वो भी शानदार होगी। तो बस अच्छे से मिक्स किया। और अब डाल दी थोड़ी सी काली मिर्चें जिसे मैंने एकदम बारीक कूट के तैयार किया है। और अब आ रही है प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने की। एकदम बेसिक से मसालों के साथ ये एकदम टेस्टी सब्जी तैयार होगी। 2 सीटी आई प्रेशर कुकर का, में से जितना प्रेशर था वो भी रिलीज हो गया है। तो चलिए अब प्रेशर कुकर को खोल देते हैं। सिर्फ 2 सीटी में आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी।
तो सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब हम बारी है इसे मीठा करने की, तो उसके लिए लिया 1 टेबल स्पून जितनी चीनी, और चीनी के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर। जब आप कोई सब्जी मीठी बनाते हैं ना, उसमें जो अमचूर पाउडर जाता है वो लिटिल बिट ज़्यादा जाता है। और ये लीजिए, इसे हल्का हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लेंगे जिससे सब्जी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये लीजिए, एकदम शानदार और बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार हो गई है। तो फाइनल किया हरे धनिए के साथ। तो बस ये लीजिए, हमारी काशीफल और आलू की सब्जी पूड़ी कचौड़ी के साथ बनकर तैयार हो गई है। तो इसे भी साइड से कर देते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाइट ग्रेवी वाला पनीर। दोस्तों, पनीर की सब्जी एक ऐसी सब्जी होती है जो फटाफट भी बन जाती है और काफ़ी टेस्टी भी होती है। तो बस ये मैंने ले लिया है 200 ग्राम जितना पनीर, और पनीर को हम इस तरीके से क्यूब में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट ना करें। और व्हाइट ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया 2 टेबल स्पून जितना काजू, 2 टेबल स्पून जितने खरबूजे के बीज यानी कि मगज, और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल उबलता हुआ आधा कप जितना पानी। और 2 से 3 मिनट बाद जब यह अच्छे से फूल जाएगा, मिक्सी के जार में डालकर इसे एकदम अच्छा बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। और इधर मैंने गैस ऑन करी, उसके ऊपर एक पैन रखा और पैन में डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना देसी घी। और जैसे ही घी गर्म हुआ, इसके अंदर हम डालेंगे 1 पत्ता तेज पत्ते का, 1 हरी इलायची, उसके साथ ही 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्चें डाल दी हैं। खड़े मसालों को बढ़िया सा चटका लेते हैं जिससे इनका टेस्ट और अरोमा अच्छे से निकल कर आएगा। और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून जितना जीरा लिया, जीरे को भी अच्छे से गरम कर लिया। इसके लिए आपको जीरा काला नहीं करना है, बस जैसे ही लाइट ब्राउन सा हो आप इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी अदरक और उसके साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च, जिसे मैंने एक साथ मिक्सी में चला लिया है। कभी आप फलाहारी खाना बनाए ना, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ पीस के रख लें, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसी बीच हमने जो काजू और मगज़ लिए थे उसे भी मैंने पीस लिया है और उसका पेस्ट भी डाल दिया। अब आप इसे 2 से 3 मिनट तक भूनें और उसके साथ ही आप इसमें कुछ दाने किशमिश के डाल दें। इस तरीके से सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और 2 से 3 मिनट बाद जब आप देखें कि आपका जो मसाला है बढ़िया भुन चुका है, आप उसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून जितना फ्रेश दही। दही आपको थोड़ा सा डालना है और फ्रेश डालना है, तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। और उसके साथ ही 2 टेबल स्पून जितनी फ्रेश मलाई डाल दिया है। आप चाहें तो जो मार्केट की क्रीम होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई एक अच्छा ऑप्शन है, हमेशा ही घर में होती है। 1/2 टीस्पून डाली काली मिर्चें, और ये गया टेस्ट के से थोड़ा सा कम नमक। इस तरीके की सब्जी में नमक थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। 1 टीस्पून जितनी चीनी डाल दी, इससे फ्रेंड सब्जी मीठी नहीं होगी, बस टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। और बस उसके बाद बारी है इसे भूनने की। भूनने में बहुत ही कम समय लगता है, फटाफट भूनकर तैयार हो जाती है। मिक्सी के जार को धोकर थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे ग्रेवी थोड़ी सी परफेक्ट हो जाएगी। और ये लीजिए, ग्रेवी तैयार हो गई है। तो अब हमने जो पनीर कट करके रखा था वो भी डाल दिया। इसके लिए आपको पनीर को तलने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही डालिए और सिर्फ 2 मिनट आप पनीर पकाइए, क्योंकि पनीर को जब ज़्यादा पका लेते हैं तो वो चूई हो जाता है। बस 2 से 3 मिनट में पनीर की सब्जी एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगी। साइड में देखिए, ऑयल देसी घी रिलीज़ होने लगा है। तो अब डाल दिया हरा धनिया और परफेक्ट सब्जी तैयार है। तो आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स फलाहारी बूंदी का रायता। तो उसके लिए मैंने बूंदी ऑलरेडी बनाकर तैयार कर रखी है। और अगर आप बूंदी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस अब ये मैंने ले लिया फ्रेश दही, जिसे मैंने अच्छे से मथकर तैयार किया है। उसमें ये फलाहारी बूंदी डाल दी, और उसके बाद लिया 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना नमक, बूंदी में ऑलरेडी थोड़ा सा नमक है, 1/2 टीस्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर। आज फ्रेंड्स हम बना रहे हैं स्मोकी फ्लेवर वाला रायता, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, काफ़ी मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। और रायता भी काफ़ी गाढ़ा है क्योंकि बूंदी पानी को काफ़ी एब्जॉर्ब करेगी, तो थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए या तो आप चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चारकोल हमेशा सबके घरों में आजकल नहीं होता है। तो ये जो दिवाली वाले दीपक होते हैं ये किस दिन काम आएंगे, बस इससे ही आज हम स्मोकी फ्लेवर लगाएंगे। तो इसे आप जब तक गर्म करें जब तक ये अच्छे से लाल ना हो जाए। जब बढ़िया सा लाल हो जाए आप इसमें डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जितना देसी घी। बस संभाल के डालिए, कई बार क्या होता है घी में आग लग जाती है। तो बस जैसे ही घी बढ़िया गर्म हो जाए फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, 1/2 टीस्पून जितना जीरा डालिए,
बिना व्रत के बनाने हैं थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं, थोड़ी सी राई भी डाल सकते हैं। और व्रत के लिए बनाने हैं तो सिर्फ जीरा डालिए, रायते में डाल दिया, हाथ के हाथ कवर किया। अब इसमें से जो धुआं निकलेगा उससे रायते में बहुत ही बढ़िया आपको फ्लेवर मिलेगा। तो लीजिए, रायते में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस अब ये जो दीपक है इसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि दीपक का काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। और इस दीपक को आप बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये गया थोड़ा सा हरा धनिया, और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर वाला हमारा फलारी बूंदी का रायता तैयार हो गया है। इसके साथ खाने के लिए बनाएंगे बहुत ही स्पेशल पूड़ियाँ। यकीनन ये पूड़ियाँ आपने आपसे पहले कभी ट्राई नहीं करी होंगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे काशीफल की पूड़ियाँ, यानी कि कद्दू या पम्पकिन, आप इसे जिस भी नाम से जानते हो। तो बस इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं, छिलका उतार लिया, अच्छे से साफ कर लिया, वॉश कर लिया। उसके बाद इसे बस इस तरीके से रफली सा टुकड़ों में कट कर लेंगे। उसके बाद दिया मिक्सी का जार, उसमें डाल दिए 2-3 हरी मिर्चें। आप चाहें तो इसके साथ अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ हरी मिर्चें डालने वाली हूँ। और उसके साथ ही जो हमने काशीफल अच्छे से साफ करके और धो के रखा था वो भी डाल दिया। जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे एकदम बारीक पीस कर तैयार करेंगे। और ये लीजिए एकदम बारीक सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो आप इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना जीरा, आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया पाउडर, और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये मैंने लिया है 1 कप जितना कूटू का आटा। फ्रेंड्स इसके साथ ही हम इसमें एक और स्पेशल आटा डालेंगे, और वो है फ्रेंड्स सिंगाड़ी का आटा। आप दोनों के कॉम्बिनेशन से पूड़ी या पराठे बनाएं तो कूटू का आटा जो कई बार काफ़ी गर्म होता है वो एकदम एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से पूड़ी या पराठे बनाएं, पेट के लिए भी अच्छे रहते हैं। और बस थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, और उसके बाद हम इसे अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। नॉर्मली फ्रेंड्स जब हम कूटू का आटा आलू के साथ लगाते हैं तो थोड़ी देर में गीला हो जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। तो 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया। 10 से 15 मिनट बाद ये देखिए आटा बढ़िया सा सेट हो चुका है। एक बार अच्छे से फिर से मसल लेते हैं। और अब भरी है फ्रेंड्स इस तरीके से पूड़ियों के लिए पेड़े बनाने की। तो जैसे हम नॉर्मल पूड़ियाँ बनाते हैं, बस उससे थोड़े से आप इससे बड़े बड़े पेड़े बना लें। तो ये लीजिए कुछ पेड़े बनकर तैयार है। भारी है बेलने की, काउंटर टॉप को हल्का सा चिकना किया, और बस जैसे नॉर्मल पूड़ियाँ बेलते हैं बिल्कुल उस तरीके से आप पूड़ियाँ बेल लीजिए। बेलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट बिलकर तैयार हो जाएंगी। तो ये लीजिए कुछ पूड़ियाँ बिलकर तैयार हो गई हैं। अब भारी है सेकने की। तो सेकने के लिए गैस ऑन करी, कुकिंग ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया जैसे नॉर्मल पूड़ियों के लिए करते हैं, और हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम पूड़ियों को सेक लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल पूड़ियों की तरह ये पूड़ियाँ भी फूल जाती हैं। और ये देखिए क्या परफेक्ट गोल्डन कलर की हमारी कद्दू की पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। बहुत ही चटपटी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आज तो मैंने इन्हें सब्जियों के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप चाहें तो सिर्फ चटनी और रायते के साथ भी अगर इनको खाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो चलिए अब बारी आ गई प्लेटिंग की। तो सबसे पहले देखेंगे अपना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी एकदम नए तरीके का ये काशीफल का हलवा। थोड़े से हरे पिस्ते डाल दिए जिससे लुक और बढ़िया हो जाएगा। और ये देखिए खट्टी मीठी काशीफल और आलू की सब्जी, उसके साथ ही वाइट ग्रेवी वाला पनीर, और ये रखा अपना स्पेशल फलारी बूंदी का रायता, और ये गई फूली फूली करारी करारी पूड़ियाँ। साथ में अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप 2 हरी मिर्च ले सकते हैं। तो ये लीजिए ना बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके की हमारी ये किसी भी फलारी व्रत के लिए एकदम स्पेशल थाली तैयार हो गई है। बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जो तारीफ होने वाली है ना वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएंगी, ज़रूर ट्राई करेंगे, और फीडबैक में मुझे भी बताएंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी है।